कि गाड़ी को चलाओ तो हिसाब से चलाना गाइज। और गाड़ी गाइज शिमला के अंदर, एक और थोड़े से भूल गया था मैं कि आप हिमाचल के अंदर जाने से पहले, गाइज गला सूख गया था थोड़ा, तो गाइज वहां पर आपको मैं पेट्रोल बता रहा हूँ लगभग। गाइज स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल होने लगी है, देखो ज्यादा ज्यादा होते हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए गाइज इसी का इंतजार था गाइज कि वहां पर आपको खाना फ्री प्लस रहना फ्री है, जो लगभग 30 से 40 रुपए मिलता है गाइज, वहां आपको फ्री में मिलेगा। अपना सामान रखो और घूमने चले जाओ। और गाइज जैसे कि आपको बता दूं गाइज कि ऑफ सीजन और ऑन सीजन क्या होता है, तो ऑन ऑफ सीजन होता है जब आप जुलाई के बाद में जाते हो। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज बहुत सारे कमेंट आए थे कि रहे थे कि कुल्लू मनाली का कितना आपका बजट बना, आप बाइक से गए थे। तो गाइज मैं आपको मोटा मोटा सारी जानकारी दूंगा। तो गाइज मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, लिखूंगा नहीं, लिखता नहीं हूँ कि स्किप करोगे, तो शुरू से लेके एंड तक ये इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगी कुल्लू और मनाली के और शिमला के घूमने के लिए। तो स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर, और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे जाना चाहते हो, तो पूरा डिस्टेंस आपको बताऊंगा मैं कैसे मैं गया, मतलब क्या क्या परेशानियां हुई। और हाँ, तो गाइज आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि सीधा आप जाओ, बाइक से जा रहे हो तब तो दिल्ली सॉरी चंडीगढ़ से सीधा शिमला अम्बाला होते हुए गया था मैं, तो मैं डाल दूंगा मैं यहीं पर, ये देख पा रहे होंगे। तो गाइज मैं आपको बताऊं, मैं सीधा मैं सस्ते बजट में घूम रहा हूँ, घूमने का पर्पज ये है गाइज कि मैं घूमना पसंद है मुझे, और कम बजट में लो बजट में, तो ऐसे ही मैं लो बजट में जाके आपको थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो गाइज मैं बताऊं तो आपको, मैं आप सीधा जाओ शिमला, शिमला में आप घूमो, तो गाइज आपको आप कुफरी घूमो और वहां पर हनुमान एक मंदिर है वहां घूमो, और नाइट स्टे गाइज आप होटल में बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अगर आप जा रहे हो लगभग दिसंबर और जनवरी, न्यू ईयर और क्रिसमस में ज्यादा भीड़ होती है गाइज, वहां पे इतनी भीड़ होती है गाइज, इतनी भीड़ कि आपके 500 रुपये का जो किराया होता है ना, वो मिलेगा आपको लगभग 2.5 से 3 हजार रुपये, वो भी 6 घंटे के लिए, ओनली सिर्फ 6 घंटे के लिए। तो गाइज मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा आपको, तो मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि आप उससे अच्छा है कि कोई धर्मशाला ले। और मैं तो गाइज आपको पता ही है कि मैं धर्मशाला के बजाय रुका था गुरुद्वारे में, यहाँ पर एक रूम है अपना, ये 53 नंबर उधर है उस साइड में, 53 नंबर ये देखो गुरुद्वारे में। वास्तव में रहो तो विजय त्रिपाठी जी ने सही कहा, रहो तो गुरुद्वारे में रहो, खाना फ्री प्लस रहना। गुरुद्वारे में रुकने का कारण ये है गाइज कि वहां पर आपको खाना फ्री प्लस रहना फ्री है। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, आप गुरुद्वारे में रुको, गुरुद्वारे में रुकने का यही है कि आपको सुबह आपको चाय के साथ में दही पराठा, आलू का पराठा जो लगभग 30 से 40 रुपए मिलता है गाइज, वहां आपको फ्री में मिलेगा, आप वहां स्टे करो। और आपको गाइज लॉकर भी दिया जाएगा, अगर आप घूमना चाहते हो तो लॉकर के अंदर अपना सामान रखो और घूमने चले जाओ। और गाइज और होटल के अंदर आपको पता ही है कि आपको 2 दिन रखेंगे, तो लगभग अगर एक जने का एक रूम का मानो। और गाइज एक बात बताऊं क्या, वहां पर होटलों के अंदर आपको बेड नहीं देते हैं, अगर 800-900 रुपए दोगे तो सिर्फ स्लिप देते हैं, आपको बिछाओ और कपड़े रजाई दे देंगे, सो जाओ। तो गाइज यही है, आप उसमें जाओ गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में जाने का फायदा ये है गाइज कि आपको सब कुछ सुविधा फुल होगी, लेकिन दिक्कत ये होगी अगर फैमिली के साथ में जा रहे हो, फैमिली के साथ में जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ओनली मतलब 100-150 रुपए लेते हैं, वो तो मतलब आपकी इच्छा है कि देना चाहो गुरुद्वारे में, जो कितना भी दे सकते हो। तो आप मेरे मानो तो फैमिली के लिए आपको अलग से रूम मिलेगा, अगर सिंगल जा रहे हो तो आपको एक हॉल दिया जाएगा, उसके अंदर आपको आराम से रहो, एक दिया जाएगा लॉकर, आप उसमें अपना सामान रखो, ताला खुद का लगाना पड़ेगा गाइज, ध्यान रखना ताला खुद का ही होगा, तो ताला साथ में लेना पड़ेगा, वहां से ले लेना, और या नहीं हो तो घर से ले लेना। जाना कब चाहिए,
तो गाइस जाना चाहिए, अगर ऑफ सीजन जा रहे हो तो अच्छा होगा, क्योंकि होटलों में रहने का हर चीज आपको कम से कम बजट में आपको मिल जाएगी। खाने में वही है, आप वहाँ का मतलब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे खाना खाओ, और मतलब ऐसे नहीं गुरुद्वारे में एक नंबर खाना होता है, घर जैसा ही खाना होता है। मतलब पराठे होते हैं, आलू के पराठे होते हैं, कढ़ी चावल होते हैं, मटर पनीर और सब्जी होती है, मटर पनीर मेरे फेवरेट। और बात यही है, और आप गाइस जाओ और वहाँ कुफरी घूमो, और टॉय ट्रेन चलती है वहाँ पर, एंजॉय करो, हनुमान मंदिर है, और वहाँ से फिर चलो सीधा कहाँ के लिए, एक दिन वहाँ बिताओ आप, लगभग दो दिन पे बिताओ, क्योंकि रात जाओगे तो रेस्ट भी करोगे वहाँ पे जाके। तो गाइस जाने के बाद में सीधा चाहो आप सीधा, 200-250 किलोमीटर है, इतना ही होगा, मैंने कन्फर्म देखा नहीं है, इतना ही है कुछ, आपको स्क्रीन में देख रहे होंगे इतना किलोमीटर है। और गाइज वहां से चलने के बाद में आप आओ सीधा कुल्लू, कुल्लू आने के बाद में गाइज आपको चलना है कहाँ पर, कुल्लू के अंदर एक भुंतर है, भुंतर शहर में जाके आपको एक बिजली वाला महादेव है, वहां गाइज आपको दर्शन करके जरूर आना चाहिए, सीधा मनाली के लिए नहीं, सीधा कुल्लू में रुकना आपको। तो कुल्लू में आप बिजली महादेव के लिए मतलब लगभग आप ट्रैकिंग कर सकते हो, कुछ इस तरह मैंने की थी, अब देख पा रहे होंगे। और फिर आपको वहां से निकल के आपको सीधा चलना है कहाँ के लिए, मणिकरण के लिए। मणिकरण में गाइस जबरदस्त व्यू है, कसोल वहां पर है, कसोल और मणिकरण, तो कसोल में गाइस आप एंजॉय करो बढ़िया। लेकिन कसोल की बजाय आप कहाँ रुको, रुकना आपको कसोल से 3 या 4 किलोमीटर आगे ही एक गुरुद्वारा है, वहां पर राम मंदिर भी है, तो राम मंदिर में रुक सकते हो और गुरुद्वारे में भी रुक सकते हो। गुरुद्वारे में आपको बताइए खाना वही है जो अभी बताया था, पराठा है, कढ़ी है, चावल है, मटर पनीर सब्जी है, आपको लस्सी भी देते हैं, दूध भी देते हैं, और बाकी सब यही है कि आप वहां पर रुको। और मणिकरण में रुकना आप गाइस, कसोल भी मत रुकना, कसोल बहुत महंगा शहर है, तो उसके अंदर मत रुकना, मणिकरण में रुकना आप गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में आपको एक और गाड़ी आप लेके जा रहे हो तो पार्किंग की सुविधा फुल है, ऐसा नहीं है कि शिमला में क्या करेंगे आप, शिमला में जाओगे तो शिमला के अंदर आपको गाड़ी को क्या करेंगे वहां लगा देंगे रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर यार कोई भी ठोक के चला जाए और बाई चांस आपकी चोरी का भी डर होता है, वैसे चोरी होती नहीं, हिमाचल के लोग अच्छे बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी यार अपनी सेफ्टी खुद की आदमी है। तो गुरुद्वारे में रुकना गाइस, तो गुरुद्वारे में रुकोगे ना मणिकरण में, तो मणिकरण में आपको फुल सुविधा है पार्किंग की, 3 मंजिला है, आपको देख पा रहे होंगे। तो मणिकरण में आप रुको, वहां पर आप घूमो, मणिकरण शहर गाइस बहुत मतलब एक नंबर शहर है गाइस, देखने लायक शहर है। फिर मणिकरण से निकलने के बाद में आपको चलना है मनाली, कुल्लू में कुछ नहीं है गाइस, मनाली चलना सीधा। मनाली जाने के बाद में आपको वही अपना होटलों में रुकना नहीं है गाइज, होटलों में रुकोगे मार खा जाओगे, और वैसे आपके पास में पैसा है तो अच्छी बात है, आप होटलों में रुक सकते हो, 200 रुपये लगभग पार्किंग होती है वहाँ की गाड़ी के रुकने की एक रात की, लेकिन 8 बजे तक ही रुकना रुकने की होती है 200 रुपये। और गुरुद्वारे में रुकोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कितनी देर खड़ी रही कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर सो रही हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालने वाला कोई नहीं है, 100 रुपये लेते हैं, और फुल नाइट फुल डे आपको लॉकर दिया जाएगा, आप घूमने के लिए रोहतांग पास जाओ, फिर कहीं भी जाओ आप घूमने जाओ। तो गाइज आप वहां रुको, एंजॉय करो, और फिर मनाली में आप हडिम्बा टेम्पल और विशिष्ट ओल्ड मनाली आप अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट डे मतलब एक दिन आपको वहां पर लग जाएगा, थोड़ा यार सर्दी हो गई है। फिर सेकंड आपको कहाँ निकलना है सीधा सोलांग वैली के लिए, सोलांग वैली में गाइस जबरदस्त व्यू है, वहां पर जाओगे ना आप तो आप राइडिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो कभी की नहीं है, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, वो घिसने वाला स्काई डाइविंग कर सकते हो, मतलब बर्फ में इंजॉय कर सकते हो। अगर आप जैसे कि आपको बता दूं गाइस कि ऑफ सीजन और ऑन सीजन क्या होता है, तो ऑफ सीजन होता है जब आप जुलाई के बाद में जाते हो, नवंबर से पहले और जुलाई के बाद में, तो ऑफ सीजन आपको सस्ते में खाना सब कुछ फ्री मतलब सब कुछ खाना होता है, हम तो फ्री में जा रहे हैं वैसे, कोई दिक्कत है नहीं, कभी भी जाओ।
लेकिन आपको बता रहा हूँ होटल में जाने वाले लोग और जो लोग मेरी तरह हैं बचकम बजट में, तो गाइज गुरुद्वारा बेस्ट से बेस्ट है। और फिर आप विशिष्ट टेम्पल देखो, वहाँ पर आप, हाँ एक और वहाँ पर अच्छा पानी आता है, गर्म गर्म नहाओ वहाँ से, बढ़िया बढ़िया। फिर वहाँ से निकलो और फिर आओ आप रोहतांग पास। जाने के लिए आपको लगभग ग्रीन कार्ड बनते हैं 50 रुपये। वहाँ आप टेंशन मत लो, जाएंगे तो आप ही बना देंगे। वहाँ पर फौज होती है, अटल टनल में जाओ आप देखो, 8-9 किलोमीटर की वो है, और वहाँ पर आप स्नोफॉल का आनंद लो। देखो सूरज दिख रहा है क्या? गाइस स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल होने लगी है। देखो ज़्यादा ज़्यादा होते हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए गाइस, इसी का इंतज़ार था। भीड़ बहुत होती है गाइस वहाँ पर, लेकिन स्नोफॉल कब होती है? सर्दियों में। अभी दिसंबर जनवरी और फरवरी, 3 महीने स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तब स्नोफॉल का आनंद लें और अच्छे से। और वैसे 3 महीने में शायद नहीं, कन्फर्म है कि वो ओल्ड मनाली है, सोलांग वैली है, वहाँ पर भी बर्फ पड़ती है। अटल टनल तक इतने दूर जाने नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ पड़ के वो हो जाती है, तो अटल टनल भी बंद हो जाती है, तो वहाँ तक तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी अब वहीं आप क्लब हाउस घूम सकते हो, मनाली में ज़बरदस्त व्यू है, क्लब हाउस है और सोलांग वैली है, आप वहाँ जाओ आप एंजॉय करोगे बढ़िया वाला लगभग 2 से 3 दिन में। और पेट्रोल का खर्चा गाइज कितना बताऊँ मैं, गाइज गला सूख गया था थोड़ा, तो गाइज वहाँ पर आपको मैं पेट्रोल बता रहा हूँ लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाएगा आपका। वो भी क्यों लग जाएगा, आप थोड़ा हीवी ड्राइव कराओगे तब, और आप 100 cc से कम बाइक 100 cc की लेके जा रहे हो तो लगभग 2000 में आपका काम चल जाएगा। 2000 में आपका तेल, खाना तो वैसे ही फ्री था, है ना। वैसे गाइज आपको बता दूं मनाली में खाना मिलेगा नहीं, गुरुद्वारे में आपको लगभग 40 रुपये प्लेट आती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। कौन सा 40 रुपये में किया जाता है यार, है ना। वैसे हडिम्बा टेम्पल है वो तो देखे लोगे आप, ओल्ड मनाली है, विशिष्ट है। तो गाइज बस इंजॉय करो, और गाइज आप ये बता रहा हूँ कि गाड़ी को चलाओ तो हिसाब से चलाना गाइज। और गाड़ी गाइज शिमला के अंदर, एक और थोड़ा सा भूल गया था मैं, कि आप हिमाचल के अंदर जाने से पहले अगर गाड़ियों की लाइट लगाते हो ना, जो मैंने लगाई थी, ये देखो 6000 रुपये का चलान आया था। तो गाइज आपको बता रहा हूँ कि 6000 रुपये का चलान आ सकता है आपका। तो गाइज मित्र आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एडवांस लाइट लगा रखी है तो आप हटा के जाएं या फिर उसको कवर करके जाएं, क्योंकि आप परेशानी में पड़ जाओगे, 6-7 हज़ार रुपये का आपको लग जाएगा। तो गाइज मैं ये नहीं चाहता कि आपके मेरे लग गए, चलो कोई नहीं, लेकिन आपके नहीं लगने चाहिए। तो यही है, आप बाइक का थोड़ा सा ध्यान रखें, नंबर प्लेट प्लस कागज पूरे हो। वैसे कागज कोई चेक करता नहीं है टूरिस्ट लोगों के, लेकिन फिर भी क्या यार आपत्ति आ जाए कभी भी। तो लेकिन गाइज कागज तो चलो देखी जाती, लेकिन आपको लाइट है ना, लाइट वो नहीं लगानी एडवांस में, क्योंकि वो दिक्कत आ जाएगी। और फिर गाइज वहां से आप निकलने के बाद में, कहां से, मनाली से आपको सीधा जाना है धर्मशाला। धर्मशाला शहर का नाम है गाइज, वहां पर क्या सभ्यता, तिब्बती सभ्यता मिलती है वहां पर, तो धर्मशाला जरूर जाइए आप। धर्मशाला तो जाना ही जाना आपको, कुल्लू मनाली से फिर धर्मशाला, तो वही आपको अपना कुछ इतना खर्चा आएगा नहीं, आते वक्त आना है गाइज, सीधा नहीं, पहले आप कुल्लू मनाली घूमे, रोहतांग पास गए, और फिर वापिस आते वक्त आपको कहाँ रुकना है, धर्मशाला में, धर्मशाला जरूर जाना गाइज धर्मशाला में। और फिर वहां पर एक ज्वाला माँ का मंदिर है, जहाँ पर मैं वहाँ गया नहीं गाइज, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे डिप्रेस में हो गया था, लेकिन आप जाइए जरूर। क्यों जाइए आप, कि वहाँ पर आपको नौ ज्वाला होती है ना, जमीन से निकल रही है गाइज ज्वाला, वो ज्वालाओं की पूजा की जाती है, ना कि मूर्ति की। तो आप वहाँ पर मूर्तियों की पूजा नहीं होती है गाइज, ज्वाला की पूजा होती है। तो आप जरूर जाके वहाँ दर्शन करके आए माँ के, और वहां पर अकबर ने बुझाने की कोशिश की थी,
कहा करते हैं कि अकबर ने बहुत कोशिश की इन ज्वालों को बुझाने की, लेकिन बुझा नहीं पाया। फिर उसने क्या किया कि 150 किलो का सोना वहां पर रखवाया है माता के लिए। तो बस आप जाओ गाइस और बढ़िया से एंजॉय करो, 2 से 3 हज़ार रुपये में आपका काम बढ़िया चल जाएगा अगर आप 100 cc की बाइक से लेके जाते हो। और वैसे आप बस से जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा आएगा भी नहीं। मुझे एक मेरा एक दोस्त मिला था, वो बोल रहा था मात्र मैं 1700 रुपये में खाना प्लस आना जाना किराया मैं कर चुका हूँ मात्र 1700 रुपये में। गाइस 1700 ज़्यादा है क्या? और ऐसा मत सोचना कि वहां पर जाने के लिए आपको 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये नहीं लगते वहां पर जाने के लिए। आप वहां जाओ, फुल एंजॉय करो। और सॉरी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे गाइस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जहां भी आप जाओ मुझे बताओ कि कहाँ का वीडियो चाहिए आपको, कैसा, मतलब मैं तो सस्ते बजट में काम करना चाहता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, आप घूमने जाओ, मैं घूमा हूँ, आप भी घूम के आओ मस्त।